पार्षद के 5 वर्षीय रिपोर्ट कार्ड की तह तक पहुंचने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि आदतन सफेद पोश नेता चुनावी फतह के बाद फुर हो जाते हैं, जो कि पुनः चुनाव में ही नजर आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि नेताजी का स्वयं का तो भरपूर विकास होता है, परंतु उनके वार्ड और उनके क्षेत्र का विकास दैनिक सुख सुविधाओं के लिए भी दर दर भटकता रहता है। क्या है वार्ड नंबर 1 का हाल, आइए बताते हैं वार्ड की कहानी जनता की जुबानी। दस्तक ने हवाओं में गर्माहट पैदा कर दी है। आपको बता दें कि 16 नगर निगम सीटों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परंतु अभी भी मेयर चुनाव आखिरकार लड़ेगा कौन, इस पे कश्मकश बनी हुई है। हम इस वक्त इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 1 में मौजूद हैं और आपको बता दें कि वर्तमान में पार्षद कांग्रेस से प्रीति अग्निहोत्री रही। आपको बता दें कि तकरीबन 15 वर्षों का राज रहा इस वार्ड में अग्निहोत्री परिवार का। तो क्या विकास के ये ठेकेदार वार्ड में विकास करने में हुए कामयाब, क्या क्षेत्र की जनता का हुआ बहुमुखी विकास, या आज भी तमाम सुख सुविधाओं के लिए तरस रही है क्षेत्र की जनता, जानने के लिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में जमीनी हकीकत। हर 5 साल पर होने वाले स्थानीय पार्षदों के चुनाव में जनता अपने जनप्रतिनिधियों से अनेकों अनेक उम्मीदें लगाकर रखती है कि अब हमारे क्षेत्र का उद्धार होगा, अब हमें भी दैनिक सुविधाएं मिलेंगी, हमारे क्षेत्र में भी स्ट्रीट लाइट, सड़क, नर्मदा का पानी मिलेगा। परंतु मिलता है इंतजार, संघर्ष, आश्वासन, झूठ और वादा खिलाफी, जहां आम आदमी पूरे 5 साल पार्षद कार्यालय के चक्कर काटता है और बदले में मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। ये तस्वीरें वार्ड क्रमांक 1 के गांधी पैलेस क्षेत्र की हैं, जहां सर्दियों की फुहारों में ही सड़कों की पोल खुल गई है। सड़कों पर लबालब पानी और कीचड़ से क्षेत्र के रहवासियों का हाल बेहाल है। यही नहीं, ना स्ट्रीट लाइट, ना नर्मदा का जल इनके पास है, ना ही निगम से मिलने वाली कोई सुविधा इन तक पहुंची है। पर आप मुस्कराइए, क्योंकि आप नंबर 1 इंदौर में हैं। क्षेत्र की जमीनी हकीकत वहाँ रहने वाले रहवासियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, इसलिए हम मौजूद हैं गांधी पैलेस क्षेत्र में। हमारे साथ क्षेत्र की जनता जिनकी आई जानते हैं चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि आखिरकार क्षेत्र में आते भी हैं या केवल चुनावी तिलक लगाने के लिए आते हैं और उसके बाद हवा हो जाती है। कम से कम 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। क्या क्या समस्याएं, क्या समस्या है? देखो कीचड़ रोड अभी तक नहीं बना, हमारे इधर डेरे लाइन नहीं है, नर्मदा लाइन नहीं है, क्या है ये सब समस्या? और कई समस्या, पार्षद कौन है? हमारे गोलू भैया, गोलू भैया अग्निहोत्री। हाँ, तो आए कि नहीं आए कभी गोलू? नहीं आए, कभी नहीं आए। वोट लेने वक्त आते हैं, तो कोई नहीं आते, चुनाव में आते हैं बस, फिर उसके बाद कोई नहीं आते। और आपके विधायक आए कभी? आए कि नहीं आए? आए थे विधायक, तो विधायक नहीं आया अभी, वोट लेने वक्त आए, जिसके बाद सकल सूरत नहीं दिखाते, सकल सूरत नहीं। फिर 10 में से कितने नंबर दोगे? हम से रह रहे हैं क्षेत्र में, यहाँ पे 12 साल से रह रहे, 12 साल से रह रहे हैं। आपके क्षेत्र की पार्षद रही प्रीति अग्निहोत्री, आई कभी? वो नहीं आए, कभी नहीं आए, नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। आप लोगों की सुध लेने आती थी? नहीं, नहीं आती, नहीं, नहीं आती थी। क्या क्या क्षेत्रीय समस्याएं आप लोगों की? बहुत सारी समस्याएं हैं इधर, ये कीचड़ हो रहा है, पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है। माता जी, किस तरह की समस्या यहाँ पर, छोड़ दो किस तरह की? हमें समस्या रोड की है, रोड ज्यादा, रोड बनना चाहिए, और जिसके रोड बन जाएगी तो कोई समस्या नहीं है। फिर गर्मी में थोड़ी पानी की दिक्कत आती है। कोई पार्षद आशद, कोई नेता आते हैं यहाँ पर? कोई नेता नहीं आते। चुनाव के टाइम पे आए थे? अब चुनाव के टाइम पे तो बहुत आते, उसके बाद फिर नहीं पूछते ही नहीं कुछ भी, भले ही भूखो मरो, प्यासे मरो, कोई भी कुछ होते रहे हो,
घर में चाहो तकलीफ होती रही, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत जब बहुत दिनों से खराब है, कोई सुन ही नहीं रहे यहाँ पर है। कोई नेता भी नहीं आ रहा है यहाँ से, वहाँ तक कोई नहीं आ, कोई सुनवाई नहीं है जगह गली की। अब वोट का देंगे, अब गली मोहल्ले तो सुधरे पहले, पीछे वोट देंगे पहले गली। हाँ रोड बनेगा तभी वोट देंगे और क्या। एक गांधी पहले से वार्ड नंबर एक मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल अपने पार्षद क्षेत्रीय पार्षद के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप लोग? कार्यकाल से परेशान है। परेशान है क्यों? परेशान है ना तो काम हो रहा है ना कोई विकास हो रहा है यहाँ पे ना कुछ हो रहा है। कीचड़ खून चुन के परेशान है। क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में? नर्मदा लाइन डली, नर्मदा लाइन करेक्शन नहीं हो रहा, नर्मदा लाइन खोद के पटक गया पहले, आगे ड्रेनेज बोर्ड जी सी भी चला गया छोड़ कर चले गया, फिर भी इसके बाद अभी नर्मदा लाइन डली कभी तक करेक्शन नहीं हुए। जहाँ पे देख लो गड्ढा खोदा तो अभी तक यहाँ कहीं गाड़ी फंसती है, जनता परेशान हो रही है। पार्षद कभी आए नहीं? आए जी नहीं, ना पार्षद आया ना विधायक आया, कोई भी नहीं आया। विधायक बोर्ड लेके गया उसमें अभी तक नहीं आया। और पार्षद ना पार्षद आया। अच्छा आपके पार्षद को आखिरी बार कब देखा था आपने आपके क्षेत्र में? वोट के बाद देखा नहीं हमने, जितने बार आए नहीं देखा। 5 वर्षीय योजना मतलब बस एक बार देखना, देखा ही नहीं। आपके पार्षद से कितने संतुष्ट हैं आप लोग? कभी नहीं देखा। संतुष्ट है? नहीं है, नहीं है। क्या लगता परिवर्तन करेंगे फिर इस बार? क्या लगता नगर निगम में कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए इस वार्ड से? अच्छा कोई अच्छा आदमी हमारा कोई हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी, जो आपके क्षेत्र का विकास करे, जो अपना सेवा करेगा उसके लिए सब कुछ हाजिर हो जाएंगे सब। अच्छा आपके क्षेत्रीय पार्षद को 10 में से कितने अंक देंगे आप? जीरो। जीरो जीरो क्यों? जीरो क्यों? काम नहीं करते, काम नहीं करते। तो आपने देखा कि कैसे खुली 5 वर्षीय ठेकेदारों की पोल, जो चुनाव जीतने के बाद एक वर्तवा भी जनता से रूबरू होने नहीं आए। रूबरू होने तो दूर, जिस विकास का ठेका लिखाया पार्षद ने उसे भी पूरा नहीं किया, एक भी काम पूरे नहीं हुए, इसीलिए जनता में खासा आक्रोश है और इस बार लहर परिवर्तन की ओर। जिस इंदौर को एक नहीं बल्कि लगातार 4 बार सफाई में नंबर 1 का ताज मिला हो, उस इंदौर का एक चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। आपको जहां सड़कों पर घूमते हुए सुअर जैसे मानो मुंह चढ़ा रहे हो शहर की सफाई व्यवस्था को। आखिर क्यों किसी नेता किसी जिम्मेदार अधिकारी को ये दृश्य नहीं दिखता? क्या ये इंदौर का हिस्सा नहीं है? क्या ये लोग इंसान ही नहीं है? यहाँ की जनता को बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले नेताओं ने यदि सालों से कुछ दिया है तो सिर्फ आश्वासन। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता। ये तस्वीरें हैं न्यू व्यास नगर की, जहां के लोग आज भी अपनी दैनिक जरूरतों की मांगों को लेकर अपने क्षेत्रीय पार्षदों के पास बार बार हर बार जाते हैं, पर मिलता है महज आश्वासन। विकास के ठेकेदारों ने आखिर अपने 5 सालों में किया क्या है, इसका हिसाब अगर मांगा जाए तो नेता जवाब तक नहीं दे पाएंगे। जनता के ऐसे हालातों के लिए प्रत्येक वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो महज अपने स्वार्थ के लिए चुनाव में हाथ तो जोड़ता है परंतु जीतने के बाद हवा हवाई हो जाता है। नेताओं के चुनावी वादों की जमीनी हकीकत को बयां कर रही है व्यास नगर की ये तस्वीरें, जहां ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना ही पानी, और हमें हो रही है हैरानी कि आखिर इस ओर कब ध्यान देंगे जिम्मेदार। यहाँ 8 साल हो गए। क्या नाम है कॉलोनी? न्यू गांधी विलेज। न्यू गांधी, क्या स्थिति है यहाँ की? ये रोड रोड नहीं बने, कीचड़ बहुत है, बच्चे ऐसे पढ़ने जाते हैं इसमें से कीचड़ में। ड्रेनेज वगैरह? ड्रेनेज तो है, ड्रेनेज है। नर्मदा पानी मिलता है? वो भी अभी आई नहीं है, नर्मदा नहीं आई है, मतलब पानी नहीं मिल रहा है और सड़कें अच्छी नहीं है। अच्छा आपके पार्षद कौन है इस क्षेत्र से? ये अग्निहोत्री। तो ये अग्निहोत्री कभी चुनाव जीतने के बाद आए कि नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। चुनाव तभी आए, ये बार बार चुनाव कैसे जीत जाते हैं फिर? बस ऐसे ही हाथ जोड़ के आते हैं और सब उसमें हो जाते हैं। अच्छा ही जब ये चुनाव हो जाते हैं उसके बाद नेता आते नहीं, तो ये चुनाव में नेता रिपीट कैसे हो जाते हैं? अग्निहोत्री बार बार चुनाव जीत कैसे जाते हैं? सुनता नहीं है ना कोई, क्योंकि सब सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल रोड बनेगा, भरोसे में रहते हैं, फिर चुनाव में उनको वोट देते हैं, फिर जीत जाते हैं, फिर आते जाते। मतलब आप लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है कई सालों से? हाँ,
उतना लॉकडाउन में कोई पूछने आया हमको कि क्या। अच्छा आप लोग कभी गए पार्षद के पास घेराव करने के लिए अपनी बातों को रखने? जाने वाले जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ आएंगे सब करेंगे, फिर कोई कुछ नहीं करता, केवल सांत्वना देते हैं। हाँ सांत्वना देते हैं, लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं। क्षेत्रीय पार्षद का कार्यकाल कैसा है? बहुत बेकार है, बेकार है। कितने अंक देंगे अगर अंक देने का अवसर मिले 10 में से? 0 अंक। क्यों, बिल्कुल निष्क्रिय है? बिल्कुल। अच्छा कभी देखा कब था आखिरी बार उन्हें क्षेत्र में? आखिरी बार कब देखा? मैं तो काफी दिन से नहीं देखा। नहीं देखा, आखिरी बार कब दिखे पार्षद आपको? वही चुनाव के टाइम पे आते हैं, बाकी तो गोल हो जाते हैं। मतलब जैसे बरसाती मेंढक, वैसे ये चुनावी मेंढक है। जी जी, चुनाव में दिखते हैं, उसके बाद नहीं आते। उसके बाद करवाया ना उन्होंने, कुछ भी कभी नहीं आते। क्या क्या समस्या है क्षेत्र की आपके? सभी है, डैमेज वगैरह आ गए तो रोड वगैरह तो कब से नहीं बना है, काफी टाइम से। स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती ही नहीं चलती? जलते कभी ऐसे ही, कभी सुअर घूम रहे हैं आपके क्षेत्र में? क्या करें, ये तो नंबर 1 इंदौर है। ये जा रही है, क्या करें, नंबर 1 इसलिए तो सुअर घूम रहे हैं, तो जब ही आ रही है, क्या कर सकते हैं, वो नंबर 1 पे आ रही है, वही ना नंबर 1 पे सुअर आ रहे हैं। जब चुनाव आते हैं, जब बोलते हैं कि रोड बन जाएंगे, अब बनने रहे हैं, नहीं बन रहे। हां अच्छा, इंदौर नंबर 1 है, सफाई में अवार्ड मिले जा रहे हैं 4-4 बार से, आपके क्षेत्र में सुअर घूम रहे हैं? हाँ तो वही तो बात है ना, कचरे वाला क्या दिक्कत आती है बारिश में बहुत हमको निकलने के लिए। पार्षद से शिकायत नहीं करते आप लोग? करते हैं ना, हम गए भी सर वहाँ पे। अच्छा वो आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं, मतलब शिकायत करने जाना पड़ता है, आते नहीं है। कीचड़ की, सुअर की, रोड की, डैमेज लाइन की, यह भी बड़ी मुश्किल से 4 साल में साफ करी है उसको, लाइन को पहली बार। जो देने की जरूरत है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं हो रही है ना, कोई समस्या पूरी नहीं हो रही है हमारी। कौन सी समस्या? बिजली के बिल कभी 200 आते हैं, कभी 3,000-3,000 रुपए आते हैं, ये कोई समस्या है? समस्या के ऊपर समस्या। अच्छा आपके पार्षद कभी आए? नहीं आए। नहीं आए। आप गए कभी पार्षद के पास? गए हम 2-4 बार, जितनी बार मीटिंग करते उतनी बार जाते हैं हम कॉलोनी वाले पत्रकार। क्या बोलते हैं पार्षद? बस करेंगे करेंगे, आश्वासन देते हैं केवल आप, और आश्वासन में 5 साल करा कुछ भी नहीं। वो मंदिर के सामने, बजरंग मंदिर के सामने कसम खा के गया, मैं पंडित जी हूँ, ये हनुमान जी के सामने कसम खा के कह रहा हूँ, बोरिंग रोड सब करवाऊंगा, जिसका आज तक मुँह नहीं करा। पूरे लॉकडाउन में 2 महीने 19 दिन निकाले हमने, कहीं का भी 1 दिन भी पार्सल देने नहीं आया, बाकी उनको जहाँ गरज रहे वहाँ सब दूर पार्सल 4-4 बार बटे, हमारी कॉलोनी में 1 बार भी नहीं बटा। कारण ये आते नहीं है बस। ऐसा तो नहीं आप बीजेपी को वोट देते हैं? बीजेपी से कोई मतलब थोड़ी, बीजेपी कांग्रेस होते है तो नेता ही ना। कहीं तो हालात ऐसे हैं कि चारों ओर कीचड़, गंदगी और घूमते हुए सुअर नंबर 1 इंदौर पर मानो जैसे कोई ग्रहण ही हो, जहां पूरा देश इंदौर की सफाई व्यवस्था पर कसीदे गढ़ता है, वहीं शहर की निचली बस्तियों में रहने वाले लोग स्वयं के साथ हो रहे सौतेले बर्ताव के लिए आक्रोशित भी हैं और बेबस भी, क्योंकि इनको बीते 15 वर्षों से किसी ने भी सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं दिया है। क्या कहना चाहती है? कुछ वोट देना ही नहीं, बोलू अपनी ओत्री को वोट नहीं देना? क्या क्या नहीं आना चाहते ही नहीं आप लोग कि वो यहाँ आए? इतने देखो ना ये कितना कीचड़, कितना अभी बारिश, अभी देखो जरा सी बूंदाबांदी हुई है और ऐसी स्थिति है, सड़क नहीं बनी है। और क्या समस्याएं आप लोगों की? ड्रेनेज लाइन भी नहीं है, पानी हमारा अभी बारिश में पानी घर में चला गया था हमारे घर में, इतना कि हमारे बच्चे उन बेचारों ने 2 बजे वो गणेश चतुर्थी थी ना जी, उस दिन हमने गणेश जी ने बिठाया था, पहले पानी निकाला था घर का। अच्छा नर्मदा का पानी है कि नहीं है यहाँ पर? नहीं, मतलब ना पानी है, ना सड़क है, ना स्ट्रीट लाइट है, कुछ भी नहीं है। अच्छा पार्षद को क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ हमारी कॉलोनी में तो आए नहीं और वोट ही नहीं देंगे हम लोग तो, और हम वो अभी नहीं आना ही नहीं है, हम जाते तो मिलते ही नहीं है, जाते तो नहीं मिलते, नहीं मिलते। वो कभी आते भी नहीं है? नहीं आते, देखने ही नहीं आते, देखने नहीं आते। अच्छा आखिरी बार कब आए थे अग्निहोत्री जी? वोट लेने आए थे बस, माता जी बस, इसके बाद आते ही नहीं है। नहीं आने ही नहीं चलेंगे, जब वोट लेना था जब ही आए थे अग्निहोत्री, उसके बाद में ना किसी ने कदम रखा है ना कोई आया, कोई भी नेता हम नहीं आके देखते हैं, नहीं देंगे हमारी कॉलोनी में वोट लेने आओ मत ना, मतलब क्या निकल रहा है हमारे भाई की, जब है ना अभी पानी भरा है जब भी कोई नहीं आया, इतने कीचड़ में से निकले हम। और क्या समस्या है आप लोगों के? पानी हमारे घरों में भरा है, कोई नहीं। अच्छा आप कभी गए पार्षद के
पास शिकायत लेकर क्या क्या बोलते हैं? मिलते भी हैं तो फिर बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा आपके यहाँ, और होता नहीं है वो। पार्षद हमारे पार्षद ज्यादा नहीं आते ना, बड़े बड़े लोग बड़े बड़ी कॉलोनी में जाते हैं, छोटी कॉलोनी में क्यों आते हैं? पहले तो वोटिंग की जगह हाथ जोड़ने आते हैं, वोट हो गया काम हो गया तो इधर कोई नहीं आता है, है ना? क्योंकि वोट हमारे जरूरी है और हम लोगों के लिए विकास जरूरी नहीं है क्या? वोट हम दे और विकास मिल जाते हैं उनकी समस्या, हमारा विकास नहीं कुछ भी पूरे घर में बारिश हो रहा है। अभी तो कोरोना है, जिसके मोहल्ले में पूरे मोहल्ले का मैंने एक घर में बना है जिसके घर में पानी नहीं गया, बस गणेश जी बैठे थे उनके कितना पानी गया घरों में, पानी गया यहां खंडन में, ये प्लस खंडन में करंट आया, बच्चे हो यहां पर छोटे छोटे बच्चों को करंट लगा यहां पर, सभी मोहल्ले के लोगों ने संभाला, पार्षद कोई नहीं आया। बहरहाल चुनावी मौसम में चुनावी मेढक की तरह ये नेता फिर आएंगे आपके द्वार, परंतु इस बार सोच समझ के करिए अपने मताधिकार का प्रयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड 9 टीवी, इंदौर।